पहले इसका नाम मुगल गार्डन था, जिसे अब बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। टिकट मिल गया हमें। गार्डन में ऑफलाइन टिकट यहां से आप ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। चलने के बाद हम पहुंचे गेट नंबर 35 पर, जहां से मुगल गार्डन के लिए हमें एंट्री लेनी है। आगे मिलेंगे हम। गेट में एंट्री करते ही मुझे दिखे बंदर। इनका पूरा का पूरा एक ग्रुप था यहां पर। तो फाइनली हम पहुंच गए और उनके नाम भी आपको देखने को मिल जाएंगे। देखने में तो ना लिटरली यार ये किस तरीके की घास ही लग रही थी। जगह जगह इन्होंने बारकोड लगा रखे हैं, जिसे स्कैन करके ना उस पौधे के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। हम पहुंच चुके हैं बोनसाई पार्क के अंदर। अलग अलग पेड़ हमने देखे, अलग अलग तरीके के ना। यहाँ पे हमने बहुत सारे बोनसाई के पेड़ देखे। ये कौन सा पेड़ है? ये धोखा, ये कैसे कैसे नाम देते हो? बोनसाई का मतलब क्या होता है? बोनसाई का जो मतलब होता है ना, वो होता है छोटे, मतलब बोने पौधे होते हैं, जिन्हें हम गमले में आसानी से उगा सकते हैं। ये देखने में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। और इस गार्डन से निकलने के बाद मुझे दिखा एक सुंदर नज़ारा। मैं आपको फाउंटेन के बीच में, आपको शायद वो दिख रहा हो, देखो ये जो बना हुआ है ना, ये रैम्बो बना हुआ है। फाइनली गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया हमें। पिछली बार का जो व्लॉग है आपको ऊपर कहीं ना कहीं दिख जाएगा, आप देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है इस टाइम। पिछली बार सिर्फ ऑनलाइन टिकट था, इस बार ऑफलाइन टिकट भी आप यहाँ पर आकर इजीली ले सकते हो, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा। मैं आपको मोड़ दिखाता हूँ अभी। हाँ, एक अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। मेल करके देखना हाथों को। अरे तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया दोस्तों। ज़्यादातर नहीं, ये पानी जो होता है ना, वो स्मेल आती है इसमें। बाकी ये सोचते हैं ना कि इसके अंदर काफ़ी क्लीन वाटर है, बट ये क्लीन वाटर नहीं होता है दोस्तों, तो इसलिए सब मुंह मत धो लेना। मैं भी यही पता करना चाहता हूँ, ये सब कर कौन रहा है? गार्डन में चलते चलते इतना पैरों में दर्द हुआ यार कि मैं अपने शूज तक उतारने पड़े। तो ना हमें गार्डन के अंदर कितना सुंदर पक्षी देखने को मिला है। वो गया पेड़ों के पीछे। तो फाइनली पहुंचा मैं रोज गार्डन में। यहाँ पे तरह तरह के गुलाब अब हम देखेंगे। इस बार जो नाम है ना, वो यहाँ लिखे गए रेड कलर से, ये नीचे वाला नाम लिखा हुआ है इसका। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना रोज गार्डन, इस पर तरह तरह के रोजेस आपको मिल जाएंगे, इनके नाम भी अलग अलग है। फिलहाल हम तो रोज ही कहते हैं उनको, बाकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो एरिया है ना, खास तौर से जो ये आप सामने वाला देख रहे हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी फोटोज़ आ जाती हैं। तो अभी भी हम वही कराने वाले हैं ना। फाइनली ये गार्डन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। रोज गार्डन था, इसके बाद सर्कुलर गार्डन आएगा। ये था मुगल गार्डन, और अब यहाँ से सीधा एग्जिट है हमारी, बाहर चलते हैं। तो इसके अंदर ही ना एक
मतलब हमें कुछ दिखा यार, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ सेल वेल है, कुछ शॉप वॉप लगी हुई है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर से लगे हुए हैं और क्राउड है काफ़ी, मतलब फूड कोर्ट सा बना रखा है। चलिए देखते हैं, फिलहाल यहाँ पानी है, पानी एब्सोल्युटली फ्री है हर बार की तरह, और यहाँ पर थोड़ा और इन्जॉय करेंगे। यहाँ पर एक फूड कोर्ट, फुल कचौरी लेके आ रही है की तरह ना। यहाँ पर ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस बार जो फूड कोर्ट था उन्होंने अंदर ही बना रखा है, और एक बाकायदा एक स्टॉल से दे रखे हैं। आपने देखने को यहाँ पर साइड में लगे हुए स्टॉल से लगे हुए हैं। और हाँ, पिछली बार जब आए थे हमने गोलगप्पे खाए थे ना, गोलगप्पे खाए थे बाहर, जो जहाँ हम पार्किंग करते ना, इस बार पार्किंग के लिए भी बाहर ही बना रखा है। और लास्ट टाइम मैंने पार्क किया था थोड़ा अंदर घुस के पार्क किया था। बाकी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, नाम भी चेंज हुआ है, फैसिलिटी भी चेंज हुई है इसकी की तरह। यहाँ पर कुछ एक अलग नया है, देख लो आप पीछे जो देख रहे हो पोस्टर से लगा रखे हैं, ऐसा लगा रियल। और जो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो सारे फूड कोर्ट बना रखे हैं, ज़्यादा नहीं, सैंडविच मिल जाएगा आपको, ब्रेड पकौड़ा मिल जाएगा, कचौरी मिल जाएगा और समोसा, है ना। और ड्रिंकिंग के लिए आपको पानी की बोतल मिल जाएगी, और आपको मिल जाएगा हाँ ड्यू जो भी आपको मिल जाएगा। बाकी ये नया है, क्योंकि पिछले लास्ट टाइम जब हम आए थे तो वो चीज़ें सारी चीज़ें बाहर थी, इस बार ये अंदर है। बाकी यहाँ पे पानी के लिए यहाँ पर बना हुआ ही है, और अभी वॉशरूम की तरफ चल रहे हैं। इस बच्चे को देखो यार, बहुत ही क्यूट था। जब हमने इसको देखा तो हमने इसको ना एक आइसक्रीम दिखाई, अभी हमारी तरफ देखेगा और ललचाएगा। मुझे बच्चों को छेड़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I'm rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's